मन माया में रम रहे हो, निकषत नाहिं उम्मीद। मन नानक मूरत चितर जो छाड़त नाहिं उम्मीद। नानक मूरत चितर जो छाड़त नाहिं नार चाहत कछुआरे औरे की औरे भई। नार चाहत कछुआरे औरे अरे भई। कितवत रहया ठगारे नानक फांसी गल परी। कितवत रहया ठगार नानक फांसी गल परी। गुण गोविंद गायो नहीं, गुण गोविंद गायो नहीं, गुण गोविंद गायो नहीं। जतन बहुत सुख के किए दुख को किया न कोए। जतन बहुत सुख को किया दुख को किया न कोए। कहो नानक सुन रे मना हार भावे सो होए। कहो नानक सुन रे मना हार भावे सो होए। गुण गोविंद गायो नहीं, गुण गोविंद गायो नहीं, गुण गोविंद गायो नहीं। जग तू भिखारी
फिरत है सबको दाता राम, जगत भिखारी फिरत है सबको दाता राम, कहो नानक मन सिमरते पूरन हो हो, नानक मन सिमरते पूरन होए काम, गुण गोविंद गायो नहीं, गुण गोविंद गायो नहीं, गुण गोविंद गायो झूठे मान कहो करे जग सुपने जो जान, झूठे मान कहो करे जग सुपने जो जान, इन में कछ तेरो नहीं नानक कहो बखान, इन में कछ तेरो नहीं नानक कहो बखान, गुण गोविंद गायो नहीं, गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म गुण गोविंद गायो नहीं, गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन करनो हुतो, करनो हुतो सुना कियो, करनो हु तो सोना कियो, परे ओ लोभ के फंद नानक समयो राम गयो, करनो हु तो सोना कियो रहन गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, करनो हु तो सोना कियो दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जा, प्राणी तू
जो किछ करे सोई अभिसार काल करंता अबैकार समय रम गयो काल करंता अबैकार अब करता सोयताल पाछे कछु ना होई जो सिर पर आवे काल समय रम गयो जो कुछ करना चाहिदा सी लाहे कारण आया जग जो कुछ करना चाहिदा सी ओह ना कीता लोभ दी फाई विच फस गया विकारां दी एकत्रता शुरू कर दित्ती ते उसे नू ही अपना काज समझ लिया घर का काज न जाने रूड़ा झूठे धंधे रचियो मूड़ा दात प्यारी विसरिया दातारा जेड़ा अपना काज सी उन्हूं ना पछाण सकिया करनो हो तो सोना किए हालांकि गुरु ने आवाज दित्ती आख्या अपने काज को क्यों अलकाई है
अपना काम पहला कर, तेनू हजे अपने काम की पछाण नहीं हुई। समा लंघ गया नानक, समय रम गयो, रमता हो गया, चला गया। समय ने कोई तेरी उड़ीक थोड़ो करनी है, किसे दी इंतजार नहीं करता। तू समय नू संभाल लै, तेरी खुशकिस्मती है, जे गुआ लै तेरी बदकिस्मती है। समय जिंदगी दी बेहतरीन ते सब तो कीमती वस्तु है। जीवन की है जिस नाल तू बहुत प्यार करना है। गुरु कहते हैं जीवने की आस करे, लालच करे जीवन पद कारण। जीवन लई तू लालच करना, इसे लई करना है ना, क्योंकि जीवन कीमती है। पर तैनू पता है जीवन है कि समय ते है जीवन। जीवन की परिभाषा की है, कुछ समय का, कुछ दिनों का, कुछ पलों का, कुछ घड़ियों का, कुछ महीनों का, कुछ वरियां का संग्रह जीवन है। किसी को ज्यादा है, किसी को थोड़ा है। वारी आपो अपनी चले मसायक सेख। जदों तू जीवन की परिभाषा करेगा, जिन्हों बड़ा कीमती समझना है, एक ख्याल करी जदों उनकी परिभाषा करेगा, तेन जवाब विच एको ही गल मिलेगी, केवल समय का संग्रह है जीवन। ते जे समय का संग्रह ही जीवन है ते ओते लंघिया जांदा है। ऐसा भाईवीर सिंह जी ने भी आख्या, समय ने एक ना मन्नी, बड़ी कोशिश की थी उनका पल्ला फड़ के, जरा रुक जा मेरी चाल नाल तू चल, कहन लगा नहीं जे तू सफल करना है अपने जीवन नू मेरी चाले तुर ला, मैं किसी दी चाले नहीं चलता। समय ने उड़ीक नहीं करनी। गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने जीवन दियां सच्चाइयां जाहिर कीतियां ने, कहन लगे ओ भलिया नानक, समय रम गयो, समा रमता हो गया। ते जदों चला गया फिर की होएगा, फिर पछताए ना पावा पार, जो कुछ करे सोई अबसार। जदों समा लंघ जाए बाकी पल्ले की रह जांदा है, केवल ते केवल पछतावा। अब क्यों रोत अंध, कहन लगे होया कि मन माया में रम रहे हो, मन माया दी गिरफ्त विच, माया दी ग्रिप विच चला गया, रम गया, चला गया। हुण इहदे कोल जे ते बल हुंदा, जिवें मैं कल अर्ज़ कीती सी, गुरु मन नूं बलवान करदा ते करदा है अपने शक्तिवान भोजन नाल। कल भी तो कई सी थाले विच त्रै वस्तु पई हो, हर भोजन अमृत सार, जित खादे मन तृप्ति है, मन रज रज खांदा है, गुरु बख्शदा है, थाल विच पा के रख लिया सी। जिहड़ा इत्थे आउंदा है उस मन नूं रज रज भोजन खाओ मेरे भाई दा संदेश दिंदा, खांदा बलवान हो जांदा, फिर माया दी शक्ति उनके सामने चलदी नहीं। जिन्हें तिर भवन मेखली लाई है ना, उनकी शक्ति फिर उस मन के सामने नहीं चलती। पर जिहड़ा गुरु का भोजन बख्शिया होया नहीं छकदा, वो मन निर्बल ते कमजोर हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है। जदों वो माया की ग्रिप विच आउंदा है, फिर निकसत नाहन मीत, उनके कोल शक्ति नहीं, फिर निकल नहीं सकता। अगले पासे एक एग्जाम्पल दिंदे ने,
कहन लगे जिमें इतने लफज मूर्त वरत्या ने ओ व्यक्ति नहीं वरत्या ने जिंदी पहला गल की मन माया मह राम रहे निकसित नाहिन मीत इतने लफज मूर्त वरत्या ने कोई मनुख हो दीवार नाल खड़ा कर दियो ते कुछ समय बाद उसनू बुलाओ भलिया इत्थे मेरे कोल आ जा वो आ जांदा दीवार नाल लगा खलोता सी तुसी आवाज दित्ती आ गया पर भला जे उसे मनुख दी एक मूरत एक चित्र उस दीवार ते बना दियो किसी पेंटर नू बुलाओ ते आखो ए मनुख जिहड़ा है इंदा इस दीवार ते एक चित्र मूरत बना दे मूर्त बना दे उस सही मनुख दी होवे ते उस मूर्त दे सामने खलो खलो आवाजां दे जाओ आ जा हुण मूर्त किवें आवे बेजान है जान कोई नहीं हुण मनुख विच तां गुरु ने रहमत करके जान बख्शी ते बलवान जान बख्शी जिन मानस ते देवते की है बलिहारी गुर अपने दिवहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते की है करत ना लागी वार उन्हें रहमत नाल मनुख नू जान बख्शी ते बलवान जान बख्शी उन्हू जराक आवाज दित्ती ज्ञान ने ओ आ गया पर हुण तां मनुख मूर्त ही बन गया देखन नू मनुख है पर है मूर्त ते मूर्त हुंदी है बेजान ऐसा बेजान होया है गुरु भी आवाजां पे दिंदा है पर ए माया दी दीवार नू छड़ के मूर्त किथे आवे बेजान हो मूर्त दे प्रभाव नू लैणा ये लफ्ज़ मूर्त क्यों वरतिया है गुरु आख रहे ने मन माया में राम रहे निकसत नाहन मीत ते एग्जांपल की है नानक मूरत चित्र ज्यो छाड़त नाहन वीत हुण दीवार नाल मनुख नहीं खलोता बल्कि मनुख दे रूप विच एक चित्र खलोता है बेजान हो गया है मन इन्ना निर्बल ते बेजान हो गया उस माया दी दीवार नू छड़ के आ ही नहीं सकदा जिवें कोई चित्री होई मनुख दी मूरत ही नहीं आ सकदी चित्र नहीं आ सकदा नानक मूरत चित्र ज्यों छाड़त नाहन भीत कहते ने नतीजा की होया उनकी हालत की है जेड़ा मन माया की ग्रिप में चला जाता है वो किस सोच के अधीन हो जाता है उनकी सोच सूझ की बनतर की होती है नर चाहत कछ और अपने वालों बहुत चंगा करता है तो अपने फैसलों से बड़ा भरोसा रखता है भी मैं ऐस ऐस ढंग नाल दुनिया नू भुलेखियां विच भरमां विच पा ठगियां कर ठोरियां कर बहुत सारी दौलत इकट्ठी करांगा अमीर हो जावांगा ते सारे सुख मेरी मुट्ठी विच होणगे दुनिया दे पदार्थ मेरी झोली होणगे गुरु कहिंदे नर चाहत कछ और मन दियां सोचां ए बनांदा है मन दे पुलाओ ए पकांदा है सुपने इस किस्म दे लैंदा है पर हो कुछ होर जांदा है आ तुसीं देख रहे हो सदियां तो वरियां तो दुनिया लगी हुई है दिन रात मशीनां ते चंगे चंगे सियाने इंजीनियर ते साइंसदान दिन रात लगे हुए ने नवियां नवियां काढ़ां बनाने वास्ते मनुख सुखी हो जाए गल की थी आखिर समान तो सारा सुखा ही है ना कोई नवी काढ़ कढ़े जे मार्केट अजे ना आई होवे
मनुख लाइना लगा देंगे ने एडवांस देना शुरू कर दे सुख सब तो पहला मेरे घर आ गए ते दिन रात साइंसदान विज्ञानिक लगे भी सियार होए मनुख दी दौड़ है किसी तरह मैं आए दिन नवे नवे सुख पैदा करां ते पर मैं पूछना इन्ना कुछ बनाने तो बाद आज दा मनुख सुखी हो गया किसी दे नेड़े हो के जरा उन्दे मन नूं फरोल के देखो तू बड़ा सुखी है। बाबा कबीर जी ने एक थावे बड़ी खूबसूरत गल आखी कहन लगे दुनिया गुजी भाई संसार जेड़ा है वो तो छुपी हुई अग है ते मैं कर्ज की थी जिवें गोया दी अग हुंदी गोए नूं दो मिनट रख दियो ना अग विचों बाहर कढ़ के उन्दे उपर राख आ जांदी पता ही नहीं लगता इहदे अंदर अग है कि नहीं पर जरा उन्हें तीले नाल खरोचो फरोलो एकदम अंदरों अग दिस पैंदी इहदे अंदर तां अग है उन्हें कहते हैं गुजी पाए छुपी हुई अग कहन लगे संसार छुपी हुई अग बन गया है दुनिया गुजी भाए छुपी हुई अग जिंदा मन फरोल के देखो जिन्हू बड़ा सुखी समझते हो उनका मन फरोल के वेखो वह भी आखेगा मेरे वर्गा दुखी कोई नहीं इन्ने पदार्थ बनाए दुनिया एक वार लग पई कि असी सुखी हो जाइए आ सुख इकत्र कर लीए ओ सुख इकत्र कर लीए अजे तक सुखी नहीं होया क्यों क्योंकि नर चाहत कछ और की और भाई सुख मांगत दुख आ गया वे हालत ए हो गई चितवत रहे हो ठगौर ये सोचता रहा मैं दुनिया नूं ठग रहा ये समझदा सी मैं झूठ नाल फरेब नाल दौलत इकट्ठी करन लई दुनिया नूं ठग रहा पर इनू ये पता नहीं सी ये जिंदे लई ठग रहा असल विच ओ तैनू ठग रही है ठगिया ते तू आप जा रहा ठगिया ते आप जा रहे सतगुरु ने बाणी विच एक थावे नहीं अनेक थावां ते आखिया कह लगे ये ठगौरी वो है अगर कि इसके बड़े ठगाऊ इन्हें अपने अग्गे जेड़े एहलकार रखे हुए ने वो भी बड़े बड़े ठग ने कह लगे अगर कि इसके बड़े ठगाऊ छोड़े ना ही बाप ना माऊ वो मां बाप का भी लिहाज नहीं करते किसी का लिहाज नहीं गुरु कहने लगे तेरे ते नाल ही पे फिरदे ने लख ठगियां पे नामियां रात दिवस जी नाल ते तू अपने आप नु सुरक्षित समझना तू मैं कहना मैं किसे नु ठग रहा कहन लगे ओ ते तेरे नाल पे फिरदे ने लख ठगियां पे नामियां रात दिनस जी नाल नाल चितवत रहो ठगौर नानक फांसी गल पर हुण अगला सवाल खड़ा हो गया भी महाराज जो कुछ मैं हुण तक कीता है भावें ठगियां कीतियां ने भावें जो कुछ भी आर कीते ने कीते ते सुख लई ने मेरा मतलब ते सुख सी मैं ते कोई भी काम दुख लई नहीं कीता फिर क्यों दुखी हां लो इहदा जवाब फिर गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने दोहरफी दिता कहन लगा जी जो कुछ मैं कीता सुखां लई कीता जे किसे नू भी दुखी कीता ते उन्दे दुख विच्चों अपना सुख ढूंढिया है संचय दरब दे दुख लोग दूजियां नू दुखी करके मैं अपना सुख उन्हां दे दुख विच्चों ढूंढिया है मैं एक वर्ष कीती सी कि मनुख जदों दौड़दा है ना चलदा है उन्दी निशानी की हुंदी है जिन्हें आस पास दे दरखत फुल बूटे पत्तियां सब पिछे जा रहे होंगे मैं कैसी ट्रेन ते बैठ जाओ कुछ पिछे जा रहे हैं हर कदम पिछे जा रहे हैं वो जो पिछे जाता वेखदा है ना ओ ही उनकी इस गल की प्रतीक निशानी होंगी है कि मैं अगे जा रहा
कई बार भुलेखा भी पै जाता है। कभी वेख लियो रोजाना जीवन में निकले हुए तजर्बे ने, तुम गड्डी ट्रेन च बैठे हो, इधर प्लेटफार्म वाल ना देखो जिहड़ा खड़ा है, वेखो नाल दी गड्डी वाल, ते नाल दी गड्डी पिछा नूं तुर पवे, भावें तुसीं खड़े ही होवो तुहानूं भुलेखा पैण लग पैंदा वी खौरे साडी गड्डी तुर पई है। ये रोजाना जीवन की गल है, विचों कुछ लभना है। तुसीं ट्रेन में बैठे हो, नाल दूजी लाइन ते दूजी ट्रेन खलोती है, वह ट्रेन पिछा नूं चल पई है, तुहानूं भुलेखा पै गया है भी खौरे साडी ट्रेन अगानी चल पई है। जदों तुसीं प्लेटफार्म वाल देखते हो भी नहीं, असीं तो उत्थे दे उत्थे खड़े हैं, पिछली ट्रेन नाल दी ट्रेन चल रही है, असल विच उह तां पिछे जाना ही तुहाडा यह अहसास है कि मैं अगे जा रहा। लो आ एक मनोविज्ञानिक गल है, हर दुनिया का मनुख यह समझता जिनी देर किसी पिछा नहीं सुटांगा मैं अगे नहीं बढ़ सकांगा। लो आ एक मनोविज्ञानिक प्रतीक है, मनुख अपना आगा वधना इस गल विच छुपाई बैठा भी कोई पिछे डिगना चाहिए, किसी के दुख विचों अपना सुख। गुरु ने यह गल आख दी, कह लगे भावे मैं किसी तरह इकट्ठा किया पर किया तो सुखा ले है ना, मैं तो दुख लिए कोई काम नहीं किया, फिर दुखी क्यों हाँ। गुरु तेग बहादुर पातशाह कहने लगे भले वाला एक गल समझ लें, जतन बहुत सुख के किए, जतन बहुत सुख के किए, दुख को कियो ना कोई। मैं ते कोई भी जतन दुख लिए नहीं किया, तेरे मन का एक ख्याल है पर दुख क्यों आया है। कहन लगे ओ भलिया तू ये गल भुल गयो कि मेरी मर्जी ते सुख दुख निर्भर नहीं। गुरु नानक पातशाह जी ने जपजी साहब के आरंभ में क्यों आख दिता, हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहा जाए, हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वडियाई, हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है, एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा भवाई है, हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए, नानक हुक्मै जे बुझै ता हुमे कहे ना कोए। ओ भलिया तू ये जान ना सकिया भी सुख तो मालिक दे हुक्म विच उंदी रजा विच है, तेरे अडंबरां विच नहीं, तेरे अडंबरां विच नहीं। ये मन की भावना ना चाहते हो भी मैं भावे सब्जेक्ट नहीं पर गल सामने रात दी आ गई बैठे सा प्रधान साहब की जबानों एक लफज निकले, ये रात की गल है केवल रात की गल। कहने लगे जी जे सानू कोई आखे ना, असं आप भी सोचने असी सियासी या समाजिक तौर पर कोई बहुते सियाने नहीं, इन्हों रात के लफज मैं सामने बैठे कोट करना चाहना, सामने तो आ गई। कहन लगे मैं कोई सियाणा जा सी कोई सियाने नहीं राजनीतिक तौर पर, लोग आखते होणगे भी खौरे इन्हों सेवा इसलिए मिली है बड़ी सियाणप नाल बड़ी चतराई नाल इन्होंने खेड खेडी। कहन लगे सानू बिल्कुल पता कोई नहीं ये खेडां की हुंदियां ने, ये तो मेरा गुरु ही वरत जांदा है। ये रात दे लफ़ज़ सन, मैं हैरान हूं ना गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने फैसला दिता है। कहते ने भलिया जे तू अपने जतना ते निर्भर करदा इसे भी दुखी हो रहे हैं, जतन बहुत सुख को कियो दुख को कियो ना कोई। कहन लगे मैं तेनू एक गल समझाना चाहना है, ओ ए को नानक सुन रे मना, को नानक सुन रे मना, हर भाव सो होए। जिहड़ा प्रभु नू भांदा ना हुंदा ओ है। बाबा कबीर जी ने एक थावे बड़ी खूबसूरत गल की, कहन लगे दुनिया यो जे कारण साधन बना दी है कि मैं सुखी हो जावा, मैं सफलता की टीसी ते पहुंच जावा, मानो सफलता एक दरखत है ते
ਉਹਦੀ ਟੀਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਹੌਲੀ 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 ਟੀਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਟੀਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਟੀਸੀ ਤੇ। ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਾਰਨ ਬਣਾਏ, ਸਾਧਨ ਬਣਾਏ। ਹਰ ਟਾਹਣੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਾਂਗਾ, ਮੁੜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਰਾਂਗਾ, ਮੁੜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਰਾਂਗਾ, ਟੀਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਰਨ ਵਪਰਾ ਕਿਆ ਕਰੇ। ਆ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਧਨ ਉੱਚਾ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਸਾਧਨਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਰਨ ਵਪਰਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜੋ ਰਾਮ ਨਾ ਕਰੇ ਸਹਾਏ। ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਪ੍ਰਭੂ ਰਹਿਮਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫੈਸਲਾ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਰਨ ਵਪਰਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜੋ ਰਾਮ ਨਾ ਕਰੇ ਸਹਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੈ ਜੈ ਡਾਲੀ ਪੱਗ ਧਰੋਂ ਸੋਈ ਮੁਰ ਮੁਰ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇਸ ਟਾਹਣੀ ਤੋਂ ਉਸ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਹਣੀ ਤੋਂ ਉਸ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਟੀਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜਿਸ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਉਹੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕੀ, ਟੁੱਟ ਗਈ ਮੁੜ ਗਈ, ਦੋ ਕੁ ਟਾਹਣੀਆਂ ਚੜਿਆ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਦੋ ਕੁ ਟਾਹਣੀਆਂ ਚੜਿਆ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਿਸ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੜ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਭਲਿਆ, ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਰਨ ਵਪਰਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜੋ ਰਾਮ ਨਾ ਕਰੇ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਜੈ ਡਾਲੀ ਪੱਗ ਧਰੋਂ ਸੋਈ ਮੁਰ ਮੁਰ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਉਹ ਲੋਕ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਮੈਂ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਆਖਰ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਜਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਕੇ ਕੀਏ, ਜਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਕੇ ਕੀਏ, ਦੁੱਖ ਕੋ ਕੀਓ ਨਾ ਕੋਏ, ਕੌ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਮਨਾ ਹਰ ਭਾਵੇ ਸੋ ਹੋਏ, ਕੌ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਮਨਾ ਹਰ ਭਾਵੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣ ਲੀਆ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋ ਭਾਗਟ ਹੋਏ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਭਾਗਾ ਰਹੇ ਹੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹੋ ਮਾਨਕ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਕਹੋ ਮਾਨਕ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋਈ ਕਰਾਵੇ, ਇਸ ਕੇ ਹੱਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਲੈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋਈ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਭਰਿਆ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਧਨ ਮੇਰੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਕੇ ਕੀਏ, ਦੁੱਖ ਕੋ ਕੀਓ ਨਾ ਕੋਏ, ਕੌ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਮਨਾ ਹਰ ਭਾਵੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਹਰੀ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਝੁਕੇ? ਅਗਲਾ ਸਲੋਕ,
कह लगे जो मैं उस मालिक के दर से जाना की वेखना सारा संसार उनका भिखारी बनिया बैठा एवं नहीं बनिया बैठा उनके हाथ सारिया शक्तियां ने जगत भिखारी फिरत है सब जाचक सब जाचक तू एको दाता सब जाचक तू एको दाता मांगे हाथ पसारी जगत भिखारी फिरत है सबको दाता राम कह लगे इसलिए अपने मन का विश्वास उनके नाल जोड़ जिंदगी जीवन उनके ते निर्भर कर उनका सहारा एक अडोल सहारा होएगा ना तुम डोलो ना हम गिरते तू अडोल है इसलिए तेरे सहारे मेरा जीवन है मैं भी अडोल तू अडोल कदे डोले ना ही ता हम कैसी ताती मैनू की फिक्र है क्योंकि मैनू तो तेरा सहारा है तू अडोल है ना तुम डोलो ना हम गिरते रख लीनी हर मेरी अब तब जब कब तू ही इसलिए उन्हें ते निर्भर कर जगत भिखारी फिरत है सब को दाता राम कहो नानक मन सिमरत है पूर्ण होवे काम मन नू आख उनका सिमरन कर ताकि तेनू जीवन विच कदी औकड़ ना आवे कहो नानक मन सिमरत पूर्ण होवे काम कहन लगे उनू छड़ के झूठे मान झूठे आसरे झूठे साथ ते भरोसा ना कर इस संसार दे जिन्ने अडंबर ते साधन ने ना ए ता सुपने दी न्याई ने तेरा कोई नहीं तेरा साथ निभाने वाला एक परमात्मा है या करता वाल ता सब को वाल जिन्नी देर करता तेरे वाल है उन्नी देर हर कोई तेरे वाल है इसलिए करते नाल जुड़ के रहो कह लगे झूठे मान कहा करे झूठे मान कहा करे जग सुपने जो जान इनमें कछ तेरो नहीं इनमें कछ तेरो नहीं नानक कहो बखान गुण गोविंद गायो नहीं गुण गोविंद गायो नहीं जन्म आकार जन्म आकार थकीन गुण गोविंद गायो नहीं कहो नानक हर भज मना जे बिद जल को मी एक विश्वास पैदा कर रहे ने कि मानुक की टेक बिरथी सब जान देवन को एक भगवान
जिसके दिए रहें अघाए बहुड़ न तिष्णा लग गया है। वो इन्ना सफल शक्तिवान है कि मारे रखे एक को आप मानुख के किछ नाही हाथ तिसका हुकुम बूझ सुख होए। तेरी यत्न में सुख नहीं, यत्न बहुत सुख के की तिसका हुकुम बूझ सुख होए। गुरु बख्शिश करे असी उन्दे हुक्मां दी रोशनी घेरे विच आ जाइए। इन्हां शब्दां नाल खिमां दा जाचे खां फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।